हेलो एवरीवन, हम लोगों को इनविटेशन आया था होंडा बिग विंग की तरफ से, तो वहीं जा रहे हैं क्योंकि आज है नए कलर्स की लॉन्चिंग। और इन लोगों ने ना हमें कलर्स जो हैं वो फ़ोटो के थ्रू दिखा दिए थे, तो हम लोगों को तो आना ज़रूरी था ही क्योंकि हमें वो कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। वो क्या बता के गए, जो मैकेनिक भैया भी मिले थे केक कटेगा अंदर हैं होंडा वालों के यहाँ, आज केक कटेगा। क्यों कटेगा, क्या है? नए नए कलर्स हैं, ये वाला फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है ना। हमने गलती कर दी क्या है? तो भैया आज ना इन्होंने हमें इनवाइट कर रखा था कि न्यू कलर्स की लॉन्चिंग है, जो वहां अभी आपको दिखाया। कलर प्यारा भी लग रहा है, काफी सारी नई बाइक्स हैं, पूरा डेकोरेट कर रखा है। देखते हैं अंदर क्या है। ये वाला कलर देख के तो लालच आ रहा है कि मैं बाइक अपनी चेंज करके ले जाऊं। उसमें ब्लैक के साथ कितना प्यारा वो लग रहा है ना यार। तो ना ये जो लुक आ रहा है ना, शॉकर वगैरह चेंज करके काफी हैवी लुक आ रहा है इसे देख के। तो ये ना होंडा CB350 का टॉप मॉडल है, जिसमें कुछ अपग्रेडेशन किया गया है जो हमारे पास भी है। ये वाला जो बाइक है ये चेरी कलर में है। मुझे हालांकि फर्स्ट लुक में अपना जो ग्रीन वाला वो है वही पसंद आया था, बट मैं एक्साइटेड हूँ इसको जो नए इसमें चेंजेस हुए हैं उसके साथ देखने के लिए। तो जल्दी जल्दी हटा दो भैया इसको, लॉन्च जो है करवा दो अपना नया बाइक, ताकि मैं इसको देख सकूँ कैसा लग रहा है। तो यहाँ ना काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी इन लोगों ने कर रखा है कि काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं, जो इनके पुराने कस्टमर्स हैं वो भी हैं। और ये जो आगे भैया खड़े हैं ना, जिन्होंने बाइक पे से ये हटाया, ये यहाँ के ओनर हैं। और कलर तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ब्राउन के साथ चेरी कलर बहुत खिल के आ रहा है। ब्राउन सीट है। हाँ, मैंने ना अभी पीछे जो अपने वाली थी उसमें देखा था कि सीट्स जो हैं काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही हैं, और आज हम इसका टेस्ट राइड ज़रूर लेके जाएंगे यहाँ से। अब केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है। थोड़ी जगह टेस्ट राइड के लिए मेरा तो वो वाला कलर जो है ना वो चला के देखने का मन था, पर इन लोगों ने यही प्रोवाइड किया। कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के देखेंगे कि एक्सपीरियंस पे कैसा रहता है, नया जो चेंज आया है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। अभी स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि इसकी आवाज़ में शायद थोड़ा फ़र्क है पहले से। यार इस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सीट इसकी पहले से कंफर्टेबल है, साइलेंसर जो है वो भी थोड़ा नीचे लगा दिया गया है, और शायद इसकी हाइट भी थोड़ी पहले से कम की है क्योंकि मेरे पैर आराम से नीचे लग पा रहे हैं। टेस्ट राइड लेके आया, बहुत ज्यादा मजा, चेंजेस पसंद आए, और बाइक लेने का ये वाली मन कर रहा है, पर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बाइक हम ले चुके हैं।